हेलो एवरीवन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर लेक्चर ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छा इस लेक्चर में हम लोग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाला ही सॉरी लिमिटिंग फैक्टर वाला ही पार्ट कंटिन्यू करेंगे लेकिन अभी हम लोग एक्सेल पर करेंगे ताकि uh, थोड़ी चीज़ें और मज़ीद क्लियर भी हो जाएँ और दूसरा ये कि एक्सेल पर अगर ये सारी चीज़ें एग्जामिनर पूछता है तो वो भी हम उसको सही तरीके से कर सकें राइट सो लेट्स स्टार्ट विद लेट्स वुट वी कैन डू लेट मी चेक इफ इट्स रिकॉर्डिंग येस ओके Uh challenge. The question says that okay, fine. The company see uh requirement ky prepare a budgeted statement which clearly show the maximum profit which could be achieved in the year ending 30th November 2001 X2 after considering the decision taken by the company, right? So let's see what we can do here. A company is currently preparing its budget for the year ending 30th September 19X2. एंड द कंपनी मैनुफेक्चर इन सेल थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई एन जी उसने यूनिट सेलिंग प्राइस बता दी एक्स की सेलिंग प्राइस बता दी वेरिएबल कॉस्ट बता दी वेरिएबल कॉस्ट सारी चीज़ें बताने के बाद मटीरियल लेबर ओवर हेड बताने के बाद उसने कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बता दिया ठीक है फिर उसे डायरेक्ट लेबर रेट इज़ बजटेड एड सेक्स पर आर ये लेबर का वेज रेट है एंड फिक्स कॉस्ट इज़ वन पॉइंट थ्री मिलियन पर एन एम ठीक है ये जनरल फिक्स कॉस्ट है आपकी The company has a maximum production capacity of 228,000 labour hours. Okay. So, this maximum labour hours. A meeting of the board of directors has been convened to discuss the budgeted budget and to resolve the problem as the quality of each product as the quantity of each product should be which should be made and sold. The sales director presented the result.

उसे इफ़ जी इज नॉट ऑफर्ड द सेल्स डायरेक्टर बिलीव दैट सेल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी सीरियसली इफेक्टेड आफ्टर फर्दर डिस्कशन द बोर्ड डिसाइडेड दैट मिनिमम ऑफ टेन थाउजेंड यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस अच्छा ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो पिछले क्वेश्चन में पिछले एग्जाम exam, एग्जाम्पल में नहीं थी इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट हम दस हजार यूनिट्स तो तीनों प्रोडक्ट के बनाएंगे ठीक है ये डिसीजन हो गया भले वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कम प्रॉफिटेबल है ज्यादा प्रॉफिटेबल है दस हजार यूनिट्स बनाने एटलीस्ट ठीक है द रिमेनिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड देन बी एलोकेटेड टू अचीव दी मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल ठीक है अच्छा अब यहाँ पे एक नया एक छोटा सा सिनेरियो डिफरेंट सिनेरियो आया है और उस डिफरेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जी एटलीस्ट टेन थाउजेंड यूनिट्स हो हमें हर प्रोडक्ट के बनाने हैं अब देखिए ये सिर्फ इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि जी आप मतलब आप वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हमारा ऑब्जेक्टिव है लेकिन उसके साथ साथ हमें इस वाले पॉइंट को भी कंसिडर करना है कि जी एटलीस्ट टेन थाउजेंड यूनिट तो बनाने हैं आपने तो अब उस चीज़ को हम कैसे डील करेंगे और ये बड़ी कॉमन रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन uh, में लिमिटिंग फैक्टर के देखिए इसमें हम नॉर्मली स्टार्ट वहीं से करते हैं ठीक है अच्छा इसमें उसने मटेरियल मैक्सिमम मटेरियल का जिक्र नहीं किया मैक्सिमम लेबर का उसने सिर्फ इतना कहा है कि मैक्सिमम ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट थाउजेंड लेबर आवर्स है मैक्सिमम ठीक है और मशीन आर्स का जिक्र नहीं है कैपेसिटी का जिक्र नहीं और किसी चीज़ का जिक्र नहीं है तो अभी हम फिलहाल एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेबर इज़ ई लिमिटिंग फैक्टर राइट लेकिन अगर कुछ इशू होता है अगर आपको ये चेक करना हो कि क्या वाकई लेबर लिमिटिंग फैक्टर है तो हम चेक भी कर सकते हैं आ, देखें एक काम करते हैं हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं ना प्रोडक्ट एक्स है प्रोडक्ट वाई है और प्रोडक्ट जी है ठीक है अच्छा अब एक चीज़ एहन में रखिएगा कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना उसने ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है ये आर्स नहीं है तो उसने आपको लेबर कॉस्ट बताया ट्वेंटी फोर फोर्टी एट और जीरो सिक्स हमें यूजुअली लेबर आर्स चाहिए होते हैं लिमिटिंग फैक्टर की कैलकुलेशन में तो अब लेबर आर्स कैसे निकालेंगे देखें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी आर्स को हम वेज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आती है कॉस्ट लेबर कॉस्ट तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है यहाँ पे वेज रेट उसने लेबर का दिया हुआ है वास् पर आर तो जब हम कॉस्ट को आर से वेज रेट से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ आर्स आ जाएंगे सिंपल तो हम एक काम करते हैं पहले लेबर आर्स कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है इसकी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी देखें प्रोडक्ट एक्स को बनाने में ट्वेंटी फोर की कॉस्ट है और जो वेज रेट है आपका वो है सिक्स तो फोर आर्स सेकेंड प्रोडक्ट को बनाने में फोर्टी एट डॉलर्स की कॉस्ट लग रही है डिवाइडेड बाई सिक्स और तीसरी प्रोडक्ट को बनाने में सिक्स डॉलर्स की कॉस्ट लग रही है डिवाइडेड बाई सिक्स ठीक है तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रिक्वायर्ड आवर्स कैलकुलेट करनी है इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड आर्ज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो हम ले लेंगे इकट्ठे निकाल लेते हैं चलें एक्स के एक यूनिट को बनाने में चार घंटे लग रहे हैं और एक्स के कितने यूनिट्स बनाने हैं ट्वेंटी फोर ये डिमांड दी हुई है ये ये ठीक है।, है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ट्वेंटी फोर थाउजेंड के साथ प्लस वाई के एट थाउज वाई के एक यूनिट को बनाने में एट आवर्स लगते हैं और इसके मुझे बनाने हैं ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स ये दूसरी प्रोडक्ट ठीक है और z के एक यूनिट को बनाने में एक घंटा लगता है और इसके मुझे बनाने हैं 60000 यूनिट z सबसे ज्यादा बनाने ठीक है।, है तो रिक्वायर्ड आवर्स 252000 है अवेलेबल कितने आवर्स हैं अवेलेबल आवर्स हैं देखें 228000 देख रहे हैं अब 228000 इसका मतलब है 252 में से अगर मैं 228 माइनस कर दूं तो 24000 का अवेलेबल आवर्स कम है तो उसको हम कहेंगे शॉर्टफॉल ठीक है तो ये हम प्रूफ भी कर लिए वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं अच्छा तो अब हम क्या करेंगे चलें लेबर लिमिटिंग फैक्टर आ गया अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की अच्छा अच्छी चीज़ ये है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्टी सिक्सटी फोर और ट्वेल्व तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फोर्टी सिक्सटी फोर और ट्वेल्व उसके बाद हम निकालते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर आर्स है लेबर आरस है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर निकालेंगे फोर्टी को डिवाइड करेंगे हम फोर के साथ उसी तरीके से 64 को डिवाइड करेंगे हम 8 के साथ और उसी तरीके से 12 को हम डिवाइड करेंगे 1 के साथ ठीक है तो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा देखें जी तो जी जिसको तो हम बंद करने की बात कर रहे थे वो तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल निकला ठीक है इस दर से हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं तो सर फिर रैंकिंग किस हिसाब से करेंगे हम रैंकिंग हम करेंगे मोस्ट ऑफ सबसे पहले ये बनेगा फिर एक्स बनेगी और आखिर में हम वाई बनाएंगे ठीक है जिस जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कह रहे थे हम सिक्सटी फोर डॉलर वो वो लीस्ट प्रॉफिटेबल है ठीक है अच्छा अब हम करेंगे प्रोडक्शन प्लान अच्छा प्रोडक्शन प्लान बनाते वक्त अब हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमें एटलीस्ट टेन थाउजेंड यूनिट्स हर प्रोडक्ट के बनाने हैं तो हम एक काम करते हैं इसमें हम पहले हेडिंग बनाते हैं कंपल्सरी प्रोडक्शन की ठीक है कंपल्सरी प्रोडक्शन एक्स की भी है एक्स की भी है वाई की भी है और जी की भी है अच्छा तीनों के कितने यूनिट्स बनाने हैं टेन थाउजेंड ठीक है x के एक यूनिट को बनाने में लग रहे हैं फोर आवर्स y के एक यूनिट को बनाने में लग रहे हैं एट आवर्स और z के एक यूनिट को बनाने में लग रहे हैं वन आवर्स कोशिश करें कि रेफरेंस दे दिया करें क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल बाद में कभी आपने कोई फिगर चेंज करनी होती है तो आप सिर्फ यहां पे फिगर चेंज करेंगे तो वो हर जगह पे ऑटोमेटिकली फिगर चेंज हो जाएगी ठीक है तो चलें जी अब लेबर आवर्स कंपल्सरी प्रोडक्शन में कितने यूज हो जाएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स में फोर्टी थाउजेंड और इसी को हम ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आर्स जो कंज्यूम होंगे कंपलसरी प्रोडक्शन में वो हो जाएंगे वन लैख थर्टी थाउजेंड ठीक है अभी मेरे पास आर्स कितने थे टू ट्वेंटी एट थाउजेंड तो टू ट्वेंटी एट थाउजेंड में से ये जो अवेलेबल थे इसमें से 228,000 चले जाएंगे कंपलसरी प्रोडक्शन में ये हो जाएंगे 130,000, ठीक है तो डिफरेंस आ जाएगा 228 ट्वेंटी एट माइनस वन थर्टी एट थाउजेंड आर्स अभी भी अवेलेबल है अच्छा अब हम इससे क्या बनाएंगे देखिए अब जो मसला था वो तो खत्म हो गया ना मसला तो ये था कि जी एटलीस्ट टेन थाउजेंड यूनिट मुझे हर प्रोडक्ट के बनाने थे वो बना लिए हमने अब हम आगे चलते हैं अब हम आते हैं प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ठीक है अब देखिए अब हम रैंकिंग पे चलेंगे मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सी थी जी ठीक है तो जी बनाएंगे अच्छा लेकिन मसला ये है कि जी के हमें कितने यूनिट्स बनाने थे जी की डिमांड थी सिक्सटी थाउजेंड की हम टेन थाउजेंड यूनिट्स ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं ऊपर तो अब हम कितने यूनिट्स बनाएंगे अब हम बनाएंगे सिक्सटी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड या चलें इसको यूँ कर ले माइनस दस ठीक है एक यूनिट को बनाने में लगते हैं जी है ना तो एक घंटा लगता है तो इसका मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस फिफ्टी थाउजेंड आर्स चले जाएंगे जी में जी में चले जाएंगे फिफ्टी थाउजेंड आर्स ठीक है अब बचेगा कितना बचेगा 98 एट माइनस फिफ्टी थाउजेंड ये बचेगा 48,000 ठीक है 48,000 से फिर हम दूसरी प्रोडक्ट बनाएंगे दूसरी प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल कौन सी है एक्स एक्स बनाएंगे एक्स से कितने यूनिट्स बनाने थे 24,000 उसमें से 10,000 तो बना लिए तो अब बकिया मुझे बनाने हैं 14,000 एक यूनिट को बनाने में एक्स में लगते हैं चार घंटे तो इसका मतलब फोर्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाई फोर फिफ्टी सिक्स थाउजेंड आर्स चाहिए मसला ये है कि मेरे पास फिफ्टी सिक्स थाउजेंड आर्स है ही नहीं मेरे पास अवेलेबल ही फोर्टी एट थाउजेंड है तो अब क्या करेंगे अब जाहिर सी बात है पूरी प्रोडक्ट तो नहीं बन सकती तो अब हम ये देखेंगे कि फोर्टी एट थाउजेंड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड की जगह पे अब हम लिखेंगे फोर्टी एट थाउजेंड ठीक है और अब हम ये देखेंगे कि फोर्टी एट थाउजेंड में कितने यूनिट्स बन सकते हैं अच्छा लेबर आवर्स हैं एल सेवेंटीन में ठीक है तो ये है सिचुएशन इसके बाद आपके पास आउटपुट खत्म हो जाएगा तो फिर एक्स के कितने बनाएंगे आप के बनाएंगे ट्वेल्व थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड वाई के कितने यूनिट्स बनाएंगे वाई के सिर्फ यहां पे बन रहे हैं और जी के कितने यूनिट्स बनाएंगे जी के बनाएंगे हम 50,000 प्लस 10,000 तो ये यूनिट्स बनाएंगे अच्छा अब उसने कहा था कि प्रिपेयर विच क्लियरली शोज दी मैक्सिमम प्रॉफिट तो प्रॉफिट निकालने के लिए फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्स का है 40, वाई का है 64 और जी का है 12। तो मल्टीप्लाई कर दें कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टोटल ठीक है इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया यह आपको देगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन सम कर ले तीनों का ठीक है और इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं अच्छा फिक्स कॉस्ट उसने यहां पे दी हुई है 1.3 मिलियन पर है ना तो 1.3 मिलियन पर है ना है तो ये मुझे दे देगा मैक्सिमम प्रॉफिट ठीक है तो नाइन फोटी थाउजेंड से ज़्यादा सर आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता तो ये बेसिकली एक और क्वेश्चन हमने किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है लेकिन बहरहाल एम सी क्यूज़ में या एम टी क्यूज़ में बाज़ अवत कभी कभार आ जाता है एम सी क्यूज़ में या तो आता है एम टी क्यूज़ में भी बाज़ अवत कभी कभार आ जाता है तो बहरहाल इसको देख लीजिएगा आप इसमें पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल काम किया था इधर हमने ये कंपल्सरी प्रोडक्शन वाला एक एक्स्ट्रा काम किया है तो बस याद ये दिलाना था बताना ये था कि कंपल्सरी प्रोडक्शन में सारा काम वैसे ही होता है बस यही हो बस एक चीज़ होती है वो ये कि प्रोडक्शन प्लान में हम ये पार्ट अलग से बना के बाकी फिर हम नॉर्मल तरीके में आ जाते हैं ठीक है जी बस आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम मेक और बाई पे चलेंगे ये तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था अब हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे आएंगे